एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर मार्क के लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरम्यान में क्या चल रहा है। ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी इक्वेशन, क्या चल रहा है उनके बीच में, और बस स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में राइट नाउ, क्या है उनकी इक्वेशन राइट नाउ, क्या वो खुश हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन और उसके थर्ड पर्सन के बीच में। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। फोर ऑफ कप्स, आपका पर्सन कैंसर हो सकता है या फिर उसका पर्सन कैंसर हो सकता है या फिर आप खुद कैंसर हो सकते हो। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोल्स और एट ऑफ कप्स और एट ऑफ हॉर्न्स। अच्छा, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरम्यान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपके पर्सन को नहीं पता या उसको नहीं पता, थर्ड पार्टी को नहीं पता। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा झूठ है, बहुत ज़्यादा फ्रेब है, बहुत ज़्यादा डिस्गाइज है इस रिलेशनशिप में जो उनका और उनके थर्ड पर्सन के साथ है। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप की काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली, ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन भी इस पर्सन से झूठ बोल रहा है और आगे से वो पर्सन भी इसके साथ झूठ बोल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन लग रहा है जो भी ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है, इट सीम्स वेरी मच लाइक अ कार्मिक रिलेशनशिप। मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप लास्ट कर पाएगा। अल्टीमेटली आपके पर्सन और इस पर्सन के दरम्यान में दूरियां आएंगी। रीजन ये होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा चीजें छुपाई गई हैं या बहुत ज्यादा चीजें जो है झूठ बोला गया है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। चाहे वो आपके पर्सन ने कहा है उस पर्सन को या फिर थर्ड पार्टी जो भी है इसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो वो आपके पर्सन से छुपा रहा हो। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा इन्वॉल्व है यहाँ पर और ये रिलेशनशिप जो है वो एक हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की जगह कामिक ज़्यादा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आपके पर्सन की जिंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए इसके साथ धोखा हो जाना है, फाइनेंशियल धोखा हो सकता है, अदरवाइज धोखा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है यस, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कुछ बुरा होने लगा है इस रिलेशनशिप में, इस थर्ड पार्टी के अंदर। मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ट्रुथ पता चलने वाला है आने वाले टाइम में। अब ये ट्रुथ कौन बताता है इनको, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप बताओ या फिर उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और पर्सन जो है वो इस ट्रुथ को रिवील करता है आपके पर्सन को, जिसके बाद ये पर्सन और इस रिलेशनशिप में जो है सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगी। आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा और ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरम्यान है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे आप में से कुछ लोग जो हो सकता है लिब्रा हो, एक्वेरियस हो या फिर पाइसिस हो, कैंसर हो, या इन साइंस को डील कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में जो पर्सन है उसके ये साइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग, फ्रॉड इन्वॉल्व है। ये कामिक कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं है। इनिशियली जो भी था कनेक्शन में मुझे नहीं पता, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ हो रहा है बिहाइंड द कर्टन्स, जो कि बहुत जल्दी रिवील होने वाला है इस कनेक्शन में इन दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में, जिसके बाद ये रिलेशनशिप जो है मुझे एंडिंग की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपके पर्सन को पता चलेगी, जिसके बाद ये कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली
एंडिंग की तरफ जाएगा और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाएगा. आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये मुझे लगता है कि आपकी तरफ एक यू टर्न मारेगा और ये यू टर्न ऐसा होगा जो कि आपके इस ये फिर उसके बाद वापस कभी नहीं सोचेगा ये सब करने के लिए. सो मुझे लग रहा है कि मेजोरिटी लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी खत्म हो जानी है और ये पर्सन इस तरह से आपकी जिंदगी में वापस आएगा कि आपकी सोच है, आप या आपको लग रहा था कि कनेक्शन जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है इससे आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा या आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आपका पर्सन कभी आपके पास वापस नहीं आएगा, वो शायद बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है. मुझे लगता है कि जो धोखा या जो उसके साथ होना है इस रिलेशनशिप में, ये उसको इतना एक क्लियर कट मैसेज मिलेगा कि पर्सन कभी भी नहीं सोचेगा कि फिर से इसने ये हरकतें करनी है आपके साथ. तो कहीं ना कहीं ये एक जैसे होता है ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा इसकी जिंदगी का. उसके बाद ये कभी भी इस तरह के किसी भी इन्वॉल्वमेंट में जाना नहीं चाहेगा. सो मेजोरिटी लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है जो आपके पर्सन और उनके उनके पर्सन के बीच में हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप और ये पर्सन आपके पास आएगा और आपके साथ ही रहेगा. मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन के लिए एक एक होता है ना कि आपको आपको रियलिटी दिखा देता है, आपको आईना दिखा देता है. ये एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा उनकी ज़िंदगी में जो कि इनको इनका ट्रू फेस दिखाएगा दिखाएगा और वो चीज़ें भी दिखाएगा जो शायद आप नहीं दिखा सके थे इसको. सो जिसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि मेरे अंदर ये सब इश्यूज़ हैं, स्टिल मुझे मेरे पर्सन ने यानी ये आपने उसको चाहा, उसको प्यार किया, उसके साथ रहा, ये चीज़ आपके पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएगी और इसीलिए वो आपके साथ इतने ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे उसके बाद कि आपकी सोच है. एक और चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि इस इंसान को यूज़ किया गया हो या अब्यूज़ किया गया हो फाइनेंशियली, जो कि जो धोखा इसके साथ होगा वो उसको सही रास्ते पे ले आएगा. फिर इसको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, आप जो हो वो आप ही हो, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसकी ज़िंदगी में. सो इस तरह की कुछ चीज़ें डेवलप होती मुझे दिख रही हैं यहाँ पर. लेट मी टेक वन मोर कार्ड. और क्या सिनारियो हो सकता है जो कि रीज़न बनेगा इस इंसान को आपके पास लाने का? आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो या कर चुके हो और आप काफ़ी हद तक आपने चेज करना इस इंसान को छोड़ दिया है. अगर आपने नहीं छोड़ा है तो मुझे लगता है कि जब आप चेज करना छोड़ रहे होगे उस टाइम पे इसकी ज़िंदगी में वो जो थर्ड पार्टी के साथ सिनारियो है वो ख़त्म हो रहा होगा. सो अगर आप राइट नाउ स्टिल इसको चेज कर रहे हो या इसके पीछे भाग रहे हो या चाह रहे हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे और आपके पास आ जाए, मुझे लगता है कि यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट. क्योंकि इसका जो चैप्टर क्लोज होना है थर्ड पार्टी के साथ वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर फोकस होगे और आपका फोकस माइंड आपके ऊपर होगा, इस इंसान के ऊपर नहीं होगा. ये पर्सन खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर और या बाय.